हेलो दोस्तों, मैं पंकज दवानिया और आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं जनरेटर के जो अल्टरनेटर होता है, सेल्फ होता है, बैटरी होती है, उनके कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। तो ये देखिए स्विच है, ये अल्टरनेटर है और जो इसका सेल्फ है, जो जनरेटर स्टार्ट करता है, बल्ब है 12 वोल्ट का, इंडिकेशन कह दो आप, कोई भी बल्ब हो सकता है, जिसके स्विच है, पॉइंट है, ये बैटरी है। ठीक है जी दोस्तों, ये सामान होता है। अब इसके हमें कनेक्शन करने होते हैं तो हम किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, वो कनेक्शन करता है, या थोड़े बहुत हम अपने आप कर लेते हैं, सेल्फ केयर उसके डायरेक्ट कर लेते हैं, पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्टरनेटर के किस तरीके से करें। तो ये देखें, ये इसका कॉमन हो गया स्विच का, एक कॉमन होता है, कोई सा भी उसमें लिखा रहता है, स्विच नहीं है मेरे पास, हम तो स्विच भी दिखा दूंगा मैं। ठीक है जी, तो अब हम पहले प्लस तार ले लेते हैं क्योंकि अर्थिंग बॉडी में ही होता है। तो ये देखें, ये तार कुछ इस तरीके से मिलेगा, यहाँ पे प्लस वाला एक स्विच में लग जाएगा, क्योंकि जो स्विच है प्लस वाले तार को ही ऑन ऑफ करता है और उसको ही आगे पहुंचाता है। ठीक है जी, ये आपको पता होगा और जो नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ कि जो प्लस वाला तार है वही हर जगह जाता है, क्योंकि बॉडी से सारे सामान टच रहते हैं तो अर्थिंग तो उनसे मिलती रहती है। ठीक है जी, अब एक तार हमने स्विच में लगा दिया और जो अल्टरनेटर का ये तार है जिसमें बोल्ट लगा रहता है, ये इसमें डायरेक्ट लगेगा। आप कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो या ऊपर से ले लो उसे, मैं अभी डायरेक्ट लगा देता हूँ उसमें, वैसे वायरिंग में बीच में ही होता है तो मैं फिलहाल डायरेक्ट लगा देता हूँ। इस तरीके से आपको ध्यान रहेगा एक आया कहाँ से, लगा कैसे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जब भी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, आराम से कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से ये भी डायरेक्ट बैटरी से लगेगा, एक तार होता है जो चार्जिंग को करता है, उसमें एक होता है जब स्विच ऑन करते हैं, चाबी घुमाते हैं तो ऑन हो जाता है, तो बल्ब जल जाता है। तो ये बल्ब का है, इसमें एक बल्ब जल जाएगा जिसमें स्विच खोलने पे, तो मीटर से आप चेक कर सकते हो एक बार कॉमन कौन सा है, उसके कॉमन से पहले उस बल्ब घुमाने पे कौन सा चल रहा है। ठीक है जी, तो तार लग गया हमारा, तो ये बल्ब जल गया। ठीक है जी, तो ये बल्ब जल गया हमारा, अब हमें आगे की सप्लाई करनी है, तो अब हमें एक तार और खींचना है। ठीक है ना, तो हमारा ऑन हो गया जिससे बल्ब जल गया, और अब और ये एक सेल्फ में लगा लेते हैं। ये देखें, एक सेल्फ में बोल्ट होता है मोटे वाला, जो गुग्गी बोलते हैं उसे, सेल्फ के ऊपर जो होती है वो गुग्गी होती है, उसमें उसमें लगा लेंगे एक बोल्ट में, जो मोटे वाला बोल्ट होता है, आपको पता ही होगा, एक तार हटा के छोड़ जो 10 नंबर का पेंच होता है उससे निकाल के मोटे वाले उसमें लगाते हैं, जिससे कि हमारा सेल्फ घूम जाता है और जनरेटर स्टार्ट कर देता है। ठीक है जी, पहले जो मोटा तार है उसमें हमने बैटरी में डायरेक्ट लगा लिया प्लस वाला, उसके बीच में ये छोटा सा तार होता है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं इसके बीच में जे हम इसमें लगाएंगे, जो कि जो हम चाबी घुमाते हैं, घुमाए रखते हैं कुछ देर होल्ड करके, वो मतलब जब भी ऑन होता है उसके बाद वापसी आ जाता है, आप जब चाबी घुमाते हैं तो वापसी आ जाता है, ऑन नहीं होता है वो। कुछ इस तरीके से आप देखें, इसमें से एक पॉइंट में लगा देते हैं हम, आप मीटर से चेक कर सकते हो कौन सा पॉइंट है, वो चेक करके आप लगा सकते हो, कई बार मीटर से मिट जाता है, तो इसी वजह से मैं बता रहा हूँ, कॉमन पे एक मीटर लगाकर दूसरे पे जब चाबी घुमाओगे ऑन के बाद, तो किस में बोल रहा है उसमें आप ये तार लगाओगे सेल्फ का, तो हमारा जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा इससे, इस तरीके से। ठीक है जी, आपका सेल्फ के समझ में आ गया होगा कि सेल्फ के तार दोनों लग गए हैं, जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद चार्जिंग करे जाएगा, चार्जिंग का भी मैं अभी कर देता हूँ क्लियर। तो ये देखें, ये हमारे तार लग चुके हैं, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ये स्टार्टिंग का है। ठीक है जी, स्टार्टिंग का है, और आप कहोगे तो मैं स्विच का भी आपको इसमें दिखाऊंगा कि क्या लिखा रहता है, और जो नहीं लिखा रहेगा तो आप किस तरीके से मीटर से चेक कर सकते हो, आप कमेंट करोगे तो मैं स्विच को जरूर ले आऊँगा। ठीक है जी, तो अब इसमें से अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर में से आपके तार निकलेंगे, अर्थिंग के मैं दिखा देता हूँ, ये बॉडी से खुद लगा रहता है, तो कुछ इस तरीके से अर्थिंग का संबल होता है जो पूरा अर्थिंग से टच होता है, तो हमें अर्थिंग का तार बिछाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम
बस प्लस का तार ही फैलता है, ये वाले व्यूअरों को पता भी होगा दोस्तों को। क्योंकि हर जगह प्लस की वायरिंग ही जाती है, गाड़ी हो या जनरेटर हो। और माइनस की बॉडी से मिलती है कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। अब आपकी सारी वायरिंग हो चुकी है, अल्टरनेटर में से एक तार आता है या दो तार होते हैं किसी किसी में, तो उसमें से हम दोनों तार इस पर लगा सकते हैं या हम एक तार निकाल के इसमें बल्ब के इसमें लगा लेंगे अर्थिंग में, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं अल्टरनेटर में पिक्चर में दे रखा है, आप एक तार भी लगा सकते हो या दोनों तार भी इसमें लगा सकते हो जिसमें दो तार हो, और दो तार में से एक तार भी लगा सकते हो, ठीक है जी। तो कुछ इस तरीके से मैंने आपको लगा के इसमें दिखा दिया है, और मैं पे अभी अल्टरनेटर आएगा कोई मुश्किल।